बतहें बड़ी खुश हैं जी, बरात को बारिश हुई है ना, पानी जो तालाब का ये चेंज हुआ है, काम तो खराब ही लगता है। दो आज भी हमारे कल त्रे पे सड़े ने पांच अंडे हो गए जी, त्रे कल पे सड़े लाल लाल पे दो आज रे आज रोटी लेन जाओ जो कि पे गया खुश हो गया। पानी चेंज है ना तो सबका दिल कर रहा है कि नहा धो लें। रात को बारिश काफी हुई है तो जो इन्होंने शीटें ऊपर से उतारी थी वो कहते हैं कि लीक कोई नहीं हुई ना, मतलब ये खतरे रहता है ना कि शीटें उतार के लगाएं तो फिर लीकेज शुरू हो जाती है, बर लीकेज कोई नहीं हुई। सबसे पहले तो टेम्परेचर चेक करते हैं, होगा मेरे अंदाजा के मुताबिक 29, 28 27 या 9 28 ही हो गया ना। जो हरगोशनी पिंजरे में घुस गई थी जरा उसकी अपडेट लेते हैं जी। वाले साहब अफ्ताब कोई नहीं, कोई फुहारा शुहारा किसे मारिया? अच्छा एक ने बनाया घोंसला ठीक है, इन्हू भी घर रख देना सी ना, ठीक इन्हों खाण वास्ते रखिया जी कई खरगोश हो गए ना गलत आदतें भी पड़ जाती हैं टूटे सीधे काम करने की। इसको भी आज घास रख देंगे जी, एक ने घास घोंसले में ले गया, एक जो है उसने घोंसला बना दिया, वो घोंसला आपको दिखाते हैं। ये है इसका घोंसला, ये देखा जी, देखा ना इसने कैसे घास अपना सारा घास अंदर रख दिया बर्ड से उठा के। अब ये ऐसे करेगी कि अपने जो इसकी छाती होती है ना इनकी, ये आगे छाती, इस पर देखा ना इतना सा गुड़ुम बना हुआ है, ये गुड़ुम इसलिए कुदरती तौर पे इनके बना होता है कि यहाँ से ये बाल उतारती हैं, कुदरत ने इनको ये स्पेशल एरिया दिया हुआ है, यहाँ से बाल आसानी से उतारती हैं और उससे ये अगर घास ना मिले ना तो इससे ये केज में पिंजरा बना लेती हैं। वैसे भी इनकी फितरत होती है बेशक घास इसने लगा दिया लेकिन ये बाल भी अंदर लगाएगी, हो सकता ना लगाए लेकिन ज़्यादा चांस यही होता है कि बाल भी अंदर लगा देगी ना। तो ये बच्चे देने से पाँच दिन पहले हम ये घोंसला रखते हैं, तो तकरीबन दो तीन दिन पहले ये घोंसला बना देती है। चेक लाजमी करना था सारा कुछ, ना करो चेक कोई नहीं होता। मौसम अच्छा है ना जी, आज पंखे बंद हो गए, पंखे बंद हो जाए बड़ा सुकून हो जाता है जी। सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि वीडियो अच्छी बनती है, क्योंकि बैकग्राउंड में ना शिकाट नहीं आ रही होती, शोर नहीं होता। तो पंखे बंद, दूसरी सहूलत ये है कि जानवर भी शोर से ज़्यादा मुतासर होते होंगे, ये भी पुरसकून हो जाते हैं। तीसरी सहूलत कि बिजली का बिल जो है वो कम हो जाता है, मेरे हिसाब से को 50,000 के लगभग बिजली का बिल चला जाता है सर्दियों में और 2 लाख रुपए के लगभग चला जाता है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा अब पंखे एयर कूलर खरगोशों पे भी काफ़ी सारे लगा दिए, ऑफिस में भी लेबर रूम्स में भी हर जगह पे एसी लग चुके हैं। तो अभी तो मज़ीद जो है ना वो कंस्ट्रक्शन और कमरे बन रहे हैं, अभी तो मज़ीद बिल बढ़ने का चांस है, इसलिए हम जो है वो सोलर की तैयारी कर रहे हैं, देखें हैं फिर क्या बनता है। अब इसको भी क्रॉसिंग में डालना है,
चांद दिनों तक ना देखेंगे, पाठ निकलती है कि खुसरा निकलता है। कद इतना ऊंचा इसका हो गया है, खतरा ही पड़ गया कहीं खुसरा ही ना निकल आए। हमारे पास जो पहले दो खुसरे थे ना, जो हमने परचेजिंग किए थे, साथ आए थे, पैदा यहाँ पे अभी तक कोई नहीं हुआ। तो उनके बड़े लंबे लंबे कद थे, इस तरह के ना ऊंचे ऊंचे कद थे बड़े। अब इस बकरी को देखें जी, ये बकरी देखने में अगर ब्रीड वाइज पॉइंट देखें ना तो काफ़ी मतलब हमें खूबसूरत नज़र आती है, काले रंग की है। अब इसके चेहरा जो है ना वो हल्का सा ना रेडिश टाइप है ना, देखिए ये देखा, बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, मुनासिब है, थन वाना सांस जो है बेहतर है। लेकिन ये बकरी जो है ये ब्रीडिंग के काबिल नहीं, वजह क्या है, इसकी इसको फोड़ा निकला हुआ, ये देखें ये फोड़ा। कहने का मकसद ये है कि कभी भी वो बकरी ना खरीदें या उसकी आगे ब्रीड ना लें जिसको फोड़ा निकला हो। अब ये देखें इसका ना थन वाना ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, मुनासिब बकरी है, हर लिहाज से अगर हम चाहें तो इसको ब्रीडिंग में आगे ले के तो इससे ब्रीड ले सकते हैं और चला सकते हैं आगे। पाकिस्तान में हो भी ऐसी राय, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि इन बकरियों को ना जल्द से जल्द फारग करें, इनको भी और इनकी जो आगे ब्रीडें आ रही हैं उनको भी रिकॉर्ड रख रहे हैं ना। तो एक वक्त कि जब हमारे पास थोड़ा सा माल बेहतर हो जाए ना, स्टॉक बेहतर हो जाए, मतलब हमारा जो मकसद है बुनियादी दूध है, वो तो जब वो दूध मुनासिब आने लग पड़े, जिसमें हमारे ऑपरेशन चलने लग पड़े ना, तो जिस तरह हमने पहले छांटियाँ की हैं ना, एक बार छांटी और करें, तो इस छांटी में इस तरह के जो जानवर हैं ना इनको फारग करें कि जो कि फॉल्टेड हैं किसी न किसी लिहाज से भी। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है ये, जो जिसमें फोड़े निकल रहे हैं ना, इससे जानवर की ना दूध की सलाहियत बड़ी कम हो जाती है। कातल फटा पता नहीं कौन सा था, ये वाला था या ये वाला था, पर कोई था तो सही। आज तो मस्ती माहौल लग रहा है, अपनी मर्जी से खा पी घूम फिर रहे हैं। एक काम बेहतर हुआ है कि इधर लकड़ी के फटे की बजाय ना ये अब आरजी दरवाज़ा लगा दिया गया, फट्टा हटा के ना वो परे उल्टा करके रख दिया गया। मतलब इस हादसे के बाद कम से कम कुछ एहतियात तो इन्होंने की है। खाना बच्चों ने शुरू अभी इतना ज़्यादा नहीं किया लेकिन कर दिया है, लेकिन ये दो खा रहे हैं। इसमें अभी जो है ना दूध हम इनको ना जितना भी होता है सारा पिला देते हैं, क्योंकि मौसम तब्दील होने वाला है, आगे सर्दी आने वाली है, तो सर्दी आने से पहले पहले इन्हें ना सेहतमंद भी करना है ना, यानी कि एक ये कह लें कि अब डेढ़ माह तक सर्दी शुरू हो जानी है, एक माह की ये हो गई है तकरीबन एवरेज, तो डेढ़ माह तो सर्दी आ जाएगी, तो हमें दो माह तक इनको मोटा दादा करना है ना। तो दूध जो है ना पहले दो तीन माह, दो माह खास तौर पर दो माह भी विनिंग हो जाती है, दूध छुड़वा सकते हैं अगर सही तरीके से अच्छा क्वालिटी का दूध पिलाएं और टाइम से इनको खाना पीना शुरू करवा लें ना, दो माह में भी विनिंग हो सकती है। लेकिन जो सही टाइम है ना विनिंग का वो तीन माह ही है, तीन माह में दूध छुड़वाना चाहिए। तो इसलिए अभी एक माह तक इनको सेहतमंद ज़्यादा करना है, इसलिए दूध कम नहीं कर रहे ना इनका, सारा पिला देते। तो उससे यह है कि इनकी
खुराक की काफ़ी सारी ज़रूरत वैसे ही पूरी हो जाती है, क्योंकि मैदा भी बना नहीं इनका, मैदा बनता है कोई डेढ़ माह में जा, डेढ़ से दो माह के बीच में, तो इसलिए ज़्यादा ये रिलाई करते हैं दूध पर, ज़्यादा दूध पिलाते हैं ना फिर इन्हें काफ़ी उसमें से कैल्शियम फैट्स वाइटामिन मिल जाते हैं, तो ये खुराक कम खाते हैं फिर। अब देखें एक बच्चा भी नहीं खा रहा, बस टेस्ट के लिए कभी कभी कुछ चेक कर लेते हैं, लेकिन ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे सीज़न जो है वो चेंज होने जा रहा है, इसलिए हमें इन्हें फोर्सफुली खुराक पे, खुश खुराक पे कन्वर्ट नहीं करना। हाँ अगर गर्मियों का सीज़न होता ना तो फिर हम, आगे गर्मी आती ना, जैसे मार्च में बच्चे पैदा होते, आगे गर्मियाँ थी, फिर हम तजर्बा कर सकते थे किसी किस्म का भी, फिर बड़े तरह के तजर्बे हो सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं आप, क्योंकि मौसम खुल रहा होता है। अब मौसम क्योंकि आगे बंद होने जा रहा है, सर्दी आ रही है, तो इसलिए तजर्बा नहीं कर सकते ना, तो इसलिए थोड़े से इनके खाना पीना लेट हो गया। जो हमारे गर्मियों के बच्चे आते हैं ना, वो इस वक्त सही खाने पीने लग पड़ते हैं, क्योंकि उन पर हम जो है ना थोड़ा हाथ तंग ही रखते हैं, आगे ज़्यादा खाएँ या दूध कम पिए। अच्छा ठीक, ब्रीडर्स की डिवर्मिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आगे क्रॉसिंग में डालना है। चलिए फिर बता वे बारिश है नहीं तेज है जी। डॉगीज ठीक है, अब अजोला पता नहीं इन्होंने हार्वेस्ट किया कि नहीं किया, मेरे हिसाब से कोई नहीं किया होगा। क्यों किया है? कटिया कोई नहीं, क्यों वो पहली कटी 50% ज्यादा डकवीड, तो ए बीच भी यार अभी डकवीड शामिल हो गई, मैं तो कहना बीच में इधर काट दो, पार्टीशन काट दिए, हां एक ही हो जाए, नहीं अजोला वैसे होया बेहतर काफी है। चलो ठीक है बैलेंस हो जाएगा दोनों, लड्डू बड़े बढ़ गए, मक्कियां भी कौन से निकल गए? अच्छा मक्कियां निकल गई हैं, चलो आज फिर देखने ओए 5-6 तो दे पेन थल्ले, ये तो काफी सारी निकल गई, नहीं मक्कियां ऊपर ने ये भी चला रहे हैं, चला मक्कियां भी थल्ले बैठे हैं, ऊपर सारी मक्कियां, कुछ मक्कियां बिलहार जी मक्खियाँ निकलना शुरू हो गई। अदनान यार मैं सोचता सी जो है ना फोम ये मक्खियाँ ने डुब जाने, वो लार्वा भी वड़ के डुबते नहीं गया बाहर, फोम ना कट के एक्सपेंड कर दो बीच बीच लार्वा थले बाहर थले, इस फोम का देख लो कोई ठीक है, साइड तो मक्खियाँ डुबनिया ने सारे रिकवर कर दी, बाकी मक्खियां आ गई किधर की मक्खी, मक्खी उधर ही आ गई आ गई आ गई आ गई, ये मक्खी एक मक्खा है ये देखे ना जी मक्खी आ गई, ये बैठ गई उड़ गई, ये रही ये मक्खी बस, ये अभी ये मक्खियाँ जना वो जो परे पड़ी हुई है ना वो उन्हें एग्गीज नहीं कहते वैसे, हमने नाम एग्गीज रख दिए उन्हें कुछ और कहते हैं, उसमें अब मक्खियाँ फुहारे मारेंगी यानी कि अंडे देंगी ना, ये मक्खी उसमें अंडे देंगी
आठ से बारह दिन इतने हैं जी इनके लाइफ साइकिल है, उसके बाद ये मर जाएंगी। हम जो है ना वो रोज़ निकाल निकाल के आगे इन्होंने उधर ये तैयार किया होगा मैश जी, उसमें उनको रोज़ रखते जाएंगे, रोज़ हैचिंग होती है, फिर दोबारा साइकिल शुरू होगा। अंडे शुरू किया था, अंडे से शुरू दोबारा कर लेंगे। ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा जब तक साइकिल का चैन चैन का कुत्ता नहीं टूट जाता, घुरी नहीं टूट जाती, पेंचर नहीं हो जाता, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। बस पाकिस्तान में हम लोग जिस चीज़ को सस्ता समझते हैं ना या फ्री समझते हैं, ये तो काम ही कुछ नहीं होगा, आसान ही है, ये करने से पता चलता है ये बहुत मुश्किल और टेक्निकल काम है। ये मक्खी भाई चलो बड़ा तजर्बा आजमाई शर्त होती है, मतलब सीखते हैं इंशाल्लाह, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम, पहली फेज है हमारी, तो इंशाल्लाह पहला सारा ही खराब था ना, अब बेहतर है, अब आस्ते-आस्ते और बेहतर हो जाएगा वक्त के साथ। अव्वल में पहली बात है हमारा ये स्टेप ही गलत है कि हमने ये मेटिंग केज हैचरी में रख दिया। अब हैचरी की जो स्मेल है इधर फैल रही है, अब मक्खियाँ स्मेल पर अंडे देती हैं, अब वो किसी जगह पर भी अंडे दे सकती हैं, अगर एक जैसे सिर्फ स्मेल आएगी ना सिर्फ, तो फिर उस पर अंडे देंगे। ये भी एक टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन काम करने से पता चल रहा है। स्टोर का दरवाज़ा भी बन के आ गया जी, शायद स्टोर बंद हो गया, इधर अब कमरा ऑफिस बन जाएगा, ये स्लाइडिंग डोर लग गया, शैतान की बिल्ली जनाब इधर बेचारी घूम रही है। असल में इसने घर में बिल्ला देख लिया था, इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, ये मेरे कपड़ों से मैच कर गई, अब बेचारी फिर इधर आ गई। हाँ कुड़ी है नहीं तू कि कुड़ी है भुल चुके दी वैसे सही वेले बंदे वाला काम है, सारी बैग आराम ना खुल को। अदनान साहब जनाब नक्शा बना रहे हैं बतहों के पिंजरे की सेटिंग किस तरह करनी है, अदनान साहब जनाब पूरा लेक्चर दे दिया इस पे। अदनान साहब आपने इसको ब्रीफ किया है, बात ऊपर से गुजर गया, अब आपने एक मिनट के अंदर अंदर ये सारा बयान कर देना है कि ये इधर बनेगा, पर ये बनेगा ये बता दें। ये हमारे पास टोटल स्मैश है 83 फुट और 36 फुट, इसके हमने तीन पोर्शन बनाए हैं। सबसे पहले ये 10 फुट का पोर्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, रेन वाटर ड्रम जो लगाएंगे उसको वाटर लैक करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन आता है जिसमें अजोला डक वीट और डक्स दोनों एक ही होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पिंजरे लगाए हुए हैं, पिंजरे के ऊपर हम डक्स डालेंगे, डक्स के नीचे हम अपना बॉन्ड बनाएंगे जिसमें अजोला डक वीट लगाएंगे ताकि जो डक्स हैं उनकी वेस्ट जो है वो ये इस्तेमाल कर ले अजोला डक वीट। तीसरा हमारा पोर्शन आता है कि फिश पॉन्ड, इसका हमने साइज 25 में 25 फीट रखा है और इसकी जो गहराई है वो 5 फीट होगी, 3 फुट जो होगी मिट्टी के अंदर होगी, 2 फुट जमीन से बाहर होगी, और ये जो इसका वाटर होगा इसको हम ड्रेन करके इसके अंदर लेके आएंगे और इसका जो वाटर होगा ये हमारे पास एम्प्टी स्पेस फार्म के एंट्रेंस पे यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारा एक किस्म का ये 3-4 प्रोजेक्ट हम इसी जगह के अंदर मैनेज कर रहे हैं। एक इतना मस्कीन फाड़ लिया जे बाहर वो आया इन्हें बैल देनी सी बतहा ने पानी सुट दिए बतहा ने पानी सुट दिए इतने सुटिया नुकसान तो नहीं दे लगा बतहा खुश हो जाएगा छो बो भी बड़ी भैड़ी मार दे जो हमला हो जाए ना साहब
चुप्पू ना खा छे पत्थर गुजरात से एक मेहमान आ गए थे, अभी ये रुखसत हो गए, अब हम चलते हैं बथुआ वाले की तरफ। व्लॉग भेज दो कि फिल्म भेज दो बकरियों की, चलो अभी व्लॉग वेख के फिर उसे ना लाइक शेयर करना, कमेंट भी करो, कमेंट तो क्या लिखो, गुड जॉब, कमेंट तो बनाया लेना साहब। जनाब दरवाजे पे खड़े हैं, भट साहब मैं जरा ना बतख फार्म तो कुपड़िया गया वहाँ काम तो वाकई खराब हो गया, भट साहब को तो पता चल गया ये मेरे साथ हर बार चीट कर जाते हैं, हमको नया फार्मूला निकालना पड़ेगा। थोबा फिर बीमार हो गया जी, उन्होंने एक्सीडेंट होया है। अच्छा बचत हो गई अलग की तरह, घर ही मुंडा प्यार रहा जी, हाँ घर ही रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो और सब ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शोभा तो कोई नहीं, फैक्ट्री में मौजूद फाटक बंद था तो मैं तो फिर इधर आ गया कि दूसरी साइड से चले जाते हैं। अब नुमान आ रहा है वो गुजरात वाले मेहमानों को ना वाली साहब से मिलवाने लेके गए, क्योंकि वो भी दरसो तदरीस से मुंसलिक हैं, मदारस हैं उनके, और वाले साहब भी जो है ना वो भी मदार एक दरस वो चैरिटी बना रहे हैं ना, ट्रस्ट बना रहे हैं एक, तो मैंने कहा चले उनसे मुलाकात करवा देते हैं, ये दो इनका एक ही शोभा है। तो नुमान उधर चला गया, वापस आ रहा थोबे की फैक्ट्री पे, फिर चलते हैं बथों का पता करने। ज़रा नेट पे चलायो, नेट तो आ रहा है? नहीं नेट नहीं आ रहा है। केड़ी कंपनी का डालना है? सुप्रीम का, टेलीनॉर का, यू फोन का, और मेरा भी यू फोन का, नेट नहीं आ रहा ना। या नेट नहीं आ रहा, भांदे मोबाइल किसे काम देंगे। अच्छा भाई उमर कह रहा है VPN चला के नेट चल जाता है जी, अकाउंट भी है को होना खतरा होता है, मेरा अकाउंट ही कोई नहीं, मैं चला ही आ रहा हूं, चला रहा जो अकाउंट है तो सारे मोबाइल पर जी। उमर ने जी एक भेड़ू रखा हुआ है, एक बकरा रखा हुआ जो के दरवाजे के पीछे गायब हो गया। ये भी तो देखे ना हमारा मुल्क है कैसा मुल्क है, कल से यहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क ही बंद है, आप घर से बाहर निकलते हैं कोई इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी शुक्र है मोबाइल ही ऑफ नहीं हुए, सिम का नेट कम से कम वो कॉल तो हो रही है। अब देखिए बंदे को इमरजेंसी है, मुझे कह रहा है जी को 3-4 हज़ार रुपया कॉल आई है जी, मुझे इमरजेंसी में भेजेंगे, अब नेट बंद है, नेट बंद है, नेट चलेगा तो भेजेंगे, ये तो हालत है। छली खा लिया, खोते में छली पाए खांदा है, कोले कारा खोते दे खांदा है, ला तू मैं दूर छटी आने दर्दा दिन हम जिस गांव जा रहे हैं जिसका नाम है गिल, पर हर जगह पे गिल हुई रोड पे गए, कैसा शानदार रोड, वहां से बॉर्डर पे भी चढ़ रहे हैं यार। काटू माल हम चराई करने जा रहे हैं जिम्मेदारी के साथ,
अच्छे अच्छे अभी पत्थर लेके आ रहे हैं। ये जनाब हो जा रही रोटी खोल गई। इनके पास जनाब तकरीबन 1400 बतखें हैं, जिनमें 300 नर हैं और 1100 मादा हैं। इनकी उम्र तकरीबन 5-6 माह हो चुकी है, अब ये अंडों पे आ चुकी हैं। बकौल इनके तकरीबन 800 अंडे रोज़ आया करेंगे। फिर इनका एक अंडा 45 रुपए का बिकता है, जो कि हैशरी वाले ले जाते हैं लाहौर। तो 2 साल अंडे देंगी, उसके बाद ये इसे सेल कर देंगे। तकरीबन 800 रुपए की एक बतख इनकी सेल हो जाएगी गोश्त के रेट पे ना। ये रोज़ाना का तकरीबन 1500-1600 की फीड खाएगी और 30-35-40 हज़ार के अंडे सेल होंगे इसके। ये इसकी मोटी मोटी फिजिबिलिटी है। ये मिक्स ब्रीड है, ये लाहौर हैचरी से इन्होंने खरीदी। अब बच्चा कितने का लिया ये नहीं पता, ये इनसे पूछ लेते हैं। ये बच्चा किन्ने का एक खरीदया है जी? हाँ जी 170 का। 200 का खरीदया जी। हाँ घर आके दे गया किराया पै गया होना, सू किराया नहीं पाया। 170 पहुंच गया। पिंड बाजार तो नहीं पड़ते बार बार रोला घर अपने जो चोखा बाजार आया उन्होंने चार आंदे तो अच्छा यह बनाया जी स्पेशल बनाया जाने वैसे पानी के बर्तन ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਡੇਰੀ ਕੋ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਪਾਸ ਲੈ ਲਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੱਚ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਠ ਜਾ ये जनाब अपने भाई हैं सैयद अमर अब्बास ना अमर सियाद शाह जनाब गिल पिंड लाला मूसा इस वक्त 1400 बतखियों के मालिक हैं। बतखियां 1100 ने 300 बिच दार ने। अच्छा जी आज सुबह 157 अंडे आए ने जी 157 ये आज सुबह जनाब 157 अंडे इन्होंने वसूल किए हैं जी।
50 ग्राम का है कि 60 का है? 60 का। 60 ग्राम का जनाब ये तकरीबन अंडा है, मुर्गी का 50 का होता है, इन्हों का 70 तक भी होता है ना जी? 70 तक भी है। तुसी ठीक ठाक नहीं बना रहे ₹8,00,000 खर्चा है। ऊपर इन्होंने बजरी डाली हुई जी, बारीक बजरी छत के ऊपर। चाह साहब ए बतख कि आ जाती? बतख 2500। फिलहाल ए 1400 ते खुली डुली जी, खुली डुली 2500 भी खुली डुली आवे दी। 2500 भी खुली डुली, 2500 दा करक बनाया। अच्छा ए दसो कि ए जाड़ी क्यों लाई जे विच? ए पहला सी ना जाड़ी, तो पहला इन्ना सी, पहला ओ सी जी जी, ए बताया जी जी। ठीक, ए विधान ते 8 लाख लगया के सारे दी? नहीं, ए विधान दी, विधान ते 16 लाख। ए ते फिर 1500 नहीं, ये सारा अगर हो तो फिर 16 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, वरना आदेश के लिए इनका 8 लाख रुपया खर्चा है। नहीं शाला ना, सस्ता ही काम हो गया आज के दौर। इनका जो घर है ना, ये गांव का आखिरी घर है। ये देखे ना जी, सारी बतखें इधर ओपन में आके, एक बिल्ला बुला को गिदड़ गुदड़ नहीं कदे पिया ना? कोई गिदड़ नहीं, कोई बिल्ला नहीं, कोई गल नहीं। सही उधर काम कौन ना खाड़ नहीं कर तो लावे किसी बंदा आवन जा। अच्छा इन्ना जी शरा मवाद के जे मतलब कोई ए उना दी उम्र 5-6 महीने है? इन दी उम्र को है 7 महीने। इन्ना च महीने दी किनिया लाशा तुसी बाहर सटदे हो? तो कोई लाश अजे तक नहीं, एक दो बस महीने बाद। हां एक दो फिर एक रखना जी ना, बटके दा काम। बतख फार्म से तो हम निकल आए जी। भाई जान गल तो सुनो, ये जो बूटा लगे है जामुन का ना? जी जामुन। अच्छा अच्छा, ये जो रकबा है जी कि है? ये जान दो सफदर वालों। अच्छा इस पिंड का? जी इस पिंड का। ठीक चलो, मैं बूटा सुना है, मैं जो दो मरले दे छड़दे ते असी भी थल्ले कोई दो घोड़ियां बन लेंदे जा। ठीक मेहरबानी जी, कोई गल नहीं। अब नुमान कोई ऐसी जगह तलाश करेगा जी दूर दराज आबादी से हट के जगह पे, जहाँ कोई प्यारा सा दरख्त लगा हो, जिस तरह ये था वो जगह जहाँ तलाश करके उधर छोटा सा डेरा बनाएंगे कच्चा, एक दूध वाली बकरी बांधेंगे वहाँ पे, एक घोड़ी क्यों जी, और उधर कुछ पतहे रखेंगे, देसी अंडे खाएंगे पतहों के, छोटा सा सेपरेट जो सिस्टम। फिर जब आँख खुलेगी तो बेड से नीचे गिर जाएंगे। आज की खबर ये है कि पाकिस्तान जो है ना, ये गवर्नमेंट सोच रही है कि जिंदा जानवरों की एक्सपोर्ट पे पाबंदी ख़त्म कर दी जाए ना, ये बकरियां और भेड़ें 10 साल से इन पर पाबंदी थी, जिंदा जानवर बाहर नहीं जा सकते थे ना, तो अब जो है ना लिखा हुआ है कि कुछ ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म बंद रहे हैं फीड लॉट फैटनिंग के तहत ना, जिनसे गोट एंड शीप काफ़ी वाफर हो जाएगी और फिर हम ये ज़िंदा एक्सपोर्ट कर सकेंगे ना पाकिस्तान से बाहर। तो ये जो फीड लॉट फैटनिंग का काम करते हैं
पहले तो बड़े जानवरों का पाकिस्तान में होता है, दूसरों का तो सिर्फ कुर्बानी के आता होता है, लेकिन अगर आप कोई एक्सपोर्ट के लिए भी करना चाहे जिंदा जानवर तो वो भी पाल सकेगा। आप जनाब शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। मैनेजर मरूम साहब की वो गुजर गई। शेख साहब ये बड़ा तमाशा लग गया जेड़ा ये सिग्नल ऑफ हो जंदे ने नेट बाद ओ गंजिया दे कोल घूमो ते और शह उना दीजे ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 150 ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾ ਪੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨੁਸਰਤ ਭੱਟੋ ਭੱਟੋ ਖਾਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਵਾਮ ਜਹਿਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਕਲ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਐਡੀ ਬਣਾਉ ਹਲੂ ਲੇਜ਼ਰ ਮੂਹੀ ਦੇਖੀਏ ਸੋ ਕਰ ਮੂਹੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਰਾ ਕੱਟ ਲੈ ਤੇ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ जहाँ से हम बत्ती देख के आए हैं ना वो असल में बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा आने की वजह से गंद बड़ा था वहाँ पे, बड़ी गंदी थी। इनके देख के ऐसे लग रहा है जैसे ये अभी नई नई अंडों से निकली हैं, इतनी साफ़ सुथरी। हम अंदर पहुँच चुके हैं, भट्ट साहब को पता ही नहीं सोए हुए हैं। ये देखिए तरा ही निकल गया थोड़ा देर। आसम साहब बैठे ही नहीं, इन नाल लेके जान देना। अब दूध का रिकॉर्ड साथ लिखते रहते हैं जी, जब दूध निकालते हैं। अब एक दिन दूध पीने का टाइम है ना, इसलिए सारे शोर कर रहे हैं। लेकिन दूध का क्योंकि अब ये रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, इसलिए पहले दूध निकालते हैं, तोलते हैं हर जानवर का टैग वाइज डाटा लीक के फिर दूध पिलाते हैं। कुछ बकरियाँ होती हैं हवाने बड़े होते हैं, दूध कम है। कुछ बकरियाँ जिनके हवाने छोटे हैं, दूध ज़्यादा है। फिर उसके बाद उनका मेडिकल रिकॉर्ड सारा, उनकी परफॉर्मेंस कितने लीटर कितने सीजन में दूध आता है, ये सारी चीज़ें नोट करके ना तो फिर जाके कहीं पे कोई पेडिग्री रिकॉर्ड तैयार होता है। और फिर जो है ना आपको पता चलता है कि आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। इसमें कई साल लग जाते हैं, देखें कितने साल लगते हैं। एक बार ज़रा आज जो इन्होंने डाक भी निकाली है, वो पता नहीं किधर की है, उसका कोई नहीं बताया अदनान ने। अब अदनान साहब छुट्टी करके चले गए। मक्खियां तो नज़र कोई नहीं आ रही, जो दो चार निकली थी कहीं पर आ रही तो नहीं होगी, पता नहीं किधर गई। बहरहाल शायद बात यह है कि मक्खियाँ कम से कम कुछ चार छः निकली हुई थी दिन को, अब अंदर कहीं इधर बैठी होंगी छुप के। ये जो मुश्किल मरला था ना, ये कम से कम एक बार तो ख़त्म हो गया ना, कि सारे प्यूपे यहाँ पे आ गए,
अब 3 किलो टोटल थे, 3 किलो में से 1.5 किलो मुर्दा टीपी में निकल आए हैं लार पे, और सिर्फ 1.5 किलो के पीपे बने। हमारा जब एस्टिमेट था जिसने अंडे दिए थे कह रहा था 7-8 किलो पीपे बन जाएंगे, लेकिन नहीं, फ्लॉप हो गया वो। अब फ्लॉप क्यों हुआ, काफ़ी वजूहत सामने आ रही हैं। एक वजह यह भी हो सकती है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने कहा था कि जब 5 दिन के लार्वे सेपरेट करें ना, सिर्फ 2 दिन की उन्हें खुराक डालें, वरना वो खुराक जो है ना वो ख़राब होगी, फिर उससे भी जानवर मरते हैं, मतलब गल सड़ जाती है, हो सकता है उससे गैस निकलती हो, मर जाती हूँ इस तरह मर गई हूँ। मतलब कि हमें 1/4 परफॉर्मेंस मिली है फ़िलहाल, लेकिन हम सीख बहुत तेज़ी से इसे रहे हैं। बर्तन जा रहे हैं, दूध पिलाने का टाइम हो गया इनका। मौसम आज बड़ा अच्छा है, हल्का सा शाइनी सा ना, मेरा जी थोड़ा सा इधर से लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं ज़रा, क्योंकि सूरज जी साइड पे डूबता है ना, तो रोड भी साइड पे जाती है, तो उसमें व्यू अच्छे होते हैं वहाँ पे। कोई बंदा कहीं पे जा रहा है बोरी में कुछ सामान डाल के, और बोरी जो है ना अपने वंडे की है। मैं और शेख साहब जनाब डूबते सूरज का नज़ारा करने निकले हैं। शेख साहब में छुट्टी का भी टाइम हो गया ना, कि शेख साहब कोई नहीं बाबा जी, छुट्टी छुट्टी दसने बाद नहीं, एक बार लॉन का उसे बायोमेट्रिक फिर दूसरी बार होता। अच्छा लाला जी गल सुनियो, ये सर ले ले एक ऊन किधर आंदे जी आ, ये मुल्तान ला। कितना टाइम हो गया ले आंदे, तकरीबन 4-5 दिन हो गए। अच्छा ईद उस लेंदे जी, अपना ही पिंड चपोड़ी जी। कितने जानवर जी? ये 3 ने। 3 ये देखा मैंने, ये बड़ा इशू होता है, जानवर कहीं खड़े नहीं हो सकते। एक को है ना कोई 8 महीने दे, 8-9 महीने दे आए ने जी, आए किरण ते 10 महीने दे ने, कोई 10 दा कोई 8 दा कोई 6 दा। अच्छा ढेरी ले आई जी जी। अच्छा आप गए सो जी? कल ही नहीं, 2-3 दिन। अच्छा सारे में वक्त ले रहे जानवर? नहीं ये और लाने सो पूरा करना। अच्छा ते के पा पे आज एक पारू जी, एक दाना के पा पे आ दो, ये तकरीबन 38,000 रुपए के खर्चे का खर्चे से चुका। 38,000 का वैसे ओथो कितने का लब्बा तुम? 3-35 ऐसे में लगा, 3-35 का। अच्छा 30-35,000 का कह रहा जी, एक मिला ईद तक, ये कम से कम भी 30-35,000 इनको खर्चा हो जाता। ये 60,000-65,000 की इनकी इनको पड़ जाएगा इधर। अच्छा हूँ कदू जाना जी, हूँ कदू जाना जी? मैं क्या बकरियां का फार्म बने? अपने चल शुक्र पछाण दे। अच्छा गल सुन यार, हम सड़क पे खड़े हैं।
अरे उसकी बकरियां नहीं ठहरी, ये मसला तो कुछ चलता ही है। अच्छा जी, नीचे उतर गए, किसी ने पहचान लेना हमारे साथ गाँव है। बिल ठीक। अच्छा हूँ फिर कदू जाना? तकरीबन हफ्ता लग जाए। हफ्ते बाद ना तो कौन गया? हमारा एक वालद साहब है, चाचा। अच्छा अच्छा, पिंड दे जी चकोड़ी। बरादरी केड़ी तो है? हमारा हम पठान है। ना का ये पठान काले पठान को दे आवला आपने मार की है? अच्छे अभी नवा नवा शुरू किया है। तो नाम सदी है पश्तो हिंदी जी। तो नाम सदी सलामुद्दीन तुम से नाराज ले दागा जाए निकल ही ये दे असली पठान निकल आया है। उधर फिर चक्कर लगे तो नहीं दे आ जाओ लगते रहते शायद आ जाओ बुआ खड़का है मेरा उसे ना ले लो तो आ जाओ मेरा ना के नहीं पूछना ना के मेरा ना आऊ असन ठीक है आऊ असन नहीं चिरफ असन आऊ तो हमें डराने से बच्चे आ देना आऊ आ गया ठीक है जाओ आऊ असन। ओहो ये देखें शायद चुक लो बंगले का बच्चा बड़ा जुलम है बाबा जी ऐसे ऐने जवान हो जाने कमाने मारे जी हां फॉर्म से ला जाने हम पीर जी होंदा जे कर्मा वाला पैर तुहाडा आना सी ते ने बचना सी जे नी ते ने पता नहीं का दा शिकार बनना सी ओ बैठे है जे दा शिकार ओ निकल गया जी के ग्रो ग्रो सी जी हां ओले मार के छुटया जी हां ओए होए होए समझ आई जे दरख्त देखने आए थे अजीमो शान दरख्त हम अजीमो शान दरख्त देखने आए थे तो नीचे से ये परिंदा मिल गया अब लेके चलते हैं इसको डॉक्टर साहब के हवाले करते हैं जी। एक देखें जनाब वो उधर ऊपर भी ये देखें और इधर असल में प्रेडेटर भी होते हैं ना इन्हें मारने वाले जी जी वो तो है ना सरकार ये देखें और शायद उसे जुलम है रबी वो सामने से एक बच्चा भी गया कहता है उधर भी पड़ा वो भी ले गया था कितने जी के जी वो देख रहे हो चिता गया वो भी आए जी कोई नजर आया वो एक बंगला ये आ गया जी अब बंगला भी पता नहीं यहाँ पे क्या जाप बना हुआ है थोड़ा लता करते ही जवानी है इंज इंज करके सच हो जाएंगे ए बंगले क्यों मर देने पे इको बैठे है वो ठीक है बंगला वो पीछे बैठे जाए देख के हो नहीं वो ठीक है अच्छा मैं कहना जल्दी जल्दी कौन जाइए बच जाएंगे चलो वो भी कोई उठता कितने जे जा ले गया जा जा वो लेके आओ सामने वो पे आई वो सामने थले वो लेके आ ले आया ले आया फिर मुझे तो लगता है बंगलों की शामत ही आ गई है ये बेचारा मरदा पड़ा हुआ है।
ये बैठा हुआ है, रहन दो वो ठीक है। चले जी बंगला पे है। ओह इन ज्यादा मर गए ने, नशी इतने तक लगता है बदरू आ गई। अच्छा जी अज कुत्ता लैके आए सा 2015 के छेवे महीने च, लक टुटिया सी पिछे चुकले का, 3 साल फिर जी गया इतने शहर आने बाबा पिछे पवा के ना टोप का टोटा नहीं होंगे ट्रक की टोप का उसको फिर पा लिया काम पे। दो तीन साल रहा शायद है ना, 3-4 साल रहा सी गया। फिर नस्ली कुत्ता लग गया, चुकला टूटे आ पिंजरे च रखे दादी, दादी पिंजरे च रखे, पिंजरे च पानी सारना पहला पिया।